हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमने आज पहन ली है साड़ी, ये देख लीजिए मेरा फाइनली लुक। आप लोग बताइएगा मेरे ऊपर साड़ी कैसी लग रही है। रोज मैं सूट पहनती थी, आज हमने साड़ी पहन लिया है। और आप लोग बताइएगा कैसे लग रहा है साड़ी ये। और अभी हम थोड़ा काम करते हैं घर का। अभी कमला बाहर गई हुई है, अभी आएंगे तो उनसे मिलवाएंगे। तब तक हमें लगा कि आप लोगों से ही बातें कर लेते हैं, थोड़ा अकेले हैं तो। गाइस, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। देवरानी आ रही बाहर से, कहाँ हो यार, दिख नहीं रहे हो। यहाँ तो है, आओ। आ गए भैया हम लोग छत पे। देखो इतना सारा कचरा छत पे, उसी को हम जा रहे हैं आग लगाने। ये देखो माचिस, माचिस। अब कमला आगे लगाएगी, हमने झाड़ू लगाया था। और यहाँ हम बैठ गए, अच्छे से बैठ गए। ओ नो, कैमरा गिर जाता अभी मेरे हाथ से। ये आगे जलाओ, आग लगाने कोई पन्नी लाते तो उससे लग जाता आग। ये पॉलीथीन लाते, देखो पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। आप लोग कैसे चलाते हो? देखो गाइस, आ देखो कमला जला लेती पत्ती की, नहीं जला पाती। आज कमला के देखा जाएगा भैया मेहरबानी कि कितनी है। देखो आज हम जला के दिखलाएंगे। ठीक है, कितना मिनट लगेगा? हाँ? टाइम बता दो, नहीं तो एक घंटा आधा घंटा ले लो जलाते नहीं, जलाते हमने... एक सेकेंड नहीं, पाँच मिनट, दस मिनट ले लो। ओ नो, दस मिनट पहली दूसरी बार जला रहे हैं हम जब से यहाँ पे आए हैं। देख लो, सुन लो देवरानी जी का। और कौन जलाता था? कभी नहीं जलाते थे, जेठानी जलाती थी। नंद रहे वो जलाए। नंद का आज के साल हो गया गए? उनको तो बहुत साल हो गया गए। अब सीखो थोड़ा जिठानी से। दूसरी बार मैंने झाड़ू वो, अब जैसे हम बुढ़ा जाएंगे है ना गाइस, जैसे हम बुढ़ा जाएंगे तो इन्हीं को सब काम करना पड़ेगा ना। नहीं तब तक वो आ जाएगी, आ जाएगी। अभी तब तक हाथ पैर में जान है, तब तक हम झाड़ू भैया लगा ले रहे छत पे। नहीं तो भैया बुढ़ापे में तो हम ले कमला लगाएगी झाड़ू। देखो जली, देखो गाइस, हाँ जल गई, देखो। आ चलो गुड, जला दिलियो, सीख गई उसे, जल गई जल गई छोटी बहुरिया। जली दिखाओ, देखो ना ये देखो नीचे, देखो गाइस आप लोगों को दिख रहा है, धीरे धीरे जल रही है, धुआं निकल रहा थोड़ा थोड़ा। ये देखो, हाँ हाँ तार में लग गई है। हाँ आग नहीं जला पाते, दूसरी बार जलाया जिंदगी में। कैमरा में आ रही हो? और क्या, ससुराल में दूसरी बार, 15 साल के शादी के 15 साल हो गया, आग जलाई दूसरी बार। एक बार हमने और जलाई थी, आग जला रहे। इसमें थोड़ा वो सूखी पत्ती लगाओ जहाँ आग दिख रही है, थोड़ा ऐसे मुलायम करके ऐसे थोड़ा मींज लो। अब इसमें आग दिखाओ तो तुरंत पकड़ लेगी। हाँ पकड़ लेगी। चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग में, मिलते थोड़ी देर बाद। नीचे आ गए हैं, यहाँ का कूड़ा जल रहा है, ये देखो कमला जला रही हैं। हाँ पत्तियाँ इसलिए जलानी पड़ती है क्योंकि हम लोग डस्टबिन बहुत जल्दी भर जाती है, तो कूड़े वाले भैया चिल्लाते हैं कि आप लोगों को बहुत जल्दी डस्टबिन भर जाती है, इसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। हाँ। तो हम लोग को देना पड़ता है कि भैया पत्तियाँ हैं, ब्रह्मदेव बाबा मेरे घर में हैं, इतने पत्तियाँ गिराते रहते हैं तो कहाँ ले जाएँ पत्ती, डस्टबिन में तो डालेंगे ना। ओ नो, बहुत धुआं, अरे अम्बो। कमला रानी हमको लग रहा जला देंगी इसी में। जलाएंगी कूड़ा, जल गया भैया हमारे लोग के घर का। भैया ऐसे हम लोगों का कूड़ा जलता रहता है, ऐसे ही हम लोग दूसरे तीसरे दिन से झाड़ू लगाते रहते हैं। अब आप लोग ये ना सोचा कि रो दीदी यही दिखा रही है, दिखा रही है भैया घर का काम है तो दिखाना ही पड़ेगा आप लोगों के सामने कि हम लोग क्या करते रहते क्या नहीं। चलिए बनिए रे ब्लॉग में, मिलते थोड़ी देर बाद। सो गाइस अब जा रहे हैं हम
शाम की चाय पीने। कमला भी ले गई अपना, और ये यहाँ पे भुंजा हुआ है लैया, यानी कलरी हुई है, और ये है चाय। ये लो, आप भी पी लो चाय। और समय बज रहा है यहाँ पे 5:10। ये देखो, मन करा लैया खाने का। ये दीपावली की लैया रखी हुई है, तो ये लगता कैसे इसको सधाया जाए। तुमने कहा चलो इसको कल्हारी लेते हैं, चाय के साथ ख़त्म करते हैं इसको धीरे धीरे। गाइस घर में कोई खाता नहीं है, एक कमला खाती है, हम खाते हैं बस। ना आदित्य खाता, ना पतिदेव खाते, ना देवर खाता, ना अंश खाता है, कोई नहीं खाता है। तो ये हमने कल्हारा है, और अब इसको जा रहे हम खाने। आप भी आ जाइए, ये लीजिए चाय पीजिए। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? समय हो रहा 10, और हम रेडी कर रहे हैं खाना दोपहर का। अभी हमने बनाया है इसमें गोभी और आलू की सब्जी रसे वाली। ये देख लो गाइस, दिख रहा है ना, ये देख लो रसेदार गोभी और आलू की सब्जी। और अभी हम खाना रेडी करते हैं, पतिदेव ने फ़ोन किया था कि खाना रेडी करके रखी है, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। और हम बनाने जा रहे हैं रोटियां। रोटी हम रेडी करते हैं अपनी। गाइस उनको गरम खाना पसंद नहीं है, वो कहते हैं मेरे लिए रोटी सेक रख दिया करिए, हमको ठंडी रोटी पसंद है, गर्म रोटी वो खा नहीं पाते। लोग गर्म खाना पसंद करते हैं, उनको ठंडा खाना पसंद आता है। कल हमारी उनकी थोड़ी बहस हो गई रात में, ऐसे ही शाम खाने के लेकर के हमने उनको गर्म गर्म खाना रेडी किया और दे दिया थाली। फिर कह रहे हैं कि हम गर्म नहीं खाना खाते, तुम्हें मालूम है हमारा ठंडी का समय चल रहा है, गर्मी खाना अच्छा लगता है। कह रहे नहीं तुम अपने लिए बना लिया, और ये अपने लिए कैसे बना ले, साथी में तो बनेगा तो साथी में खाएंगे, कि हम बार बार अपने लिए अलग बनाएंगे तुम्हारे लिए अलग बनाएंगे। तो गैस इसीलिए थोड़ी बहस हो गई हमारी उनकी, उनको ठंडा खाना पसंद है, हमको गर्म खाना पसंद है। तो हमने कहा लोग खाना गर्म मांगते हैं, बेचारे गर्म पाते नहीं खाने के लिए, हम उनको गर्म खाना खिलाते हैं तब चार बात मिलता है सुनने को। अब हम क्या करेंगे, 7 बजे पूरा खाना शाम को रेडी करके रख दिया करेंगे, वैसे सुबह भी लो खाओ। ऐसे मेरी थोड़ी उनकी हमारी बहस होती रहती है। गाइस आप लोग भी बताइएगा कि मियाँ बीवी में ऐसी बहस होती है थोड़ी थोड़ी बातों में। चलिए बने रहे ब्लॉग में, मिलते थोड़ी देर बाद। सो गाइस हमने खाना रेडी कर दिया है, अब पतिदेव देखो कै बजे आते हैं। ये देख लीजिए सब्जी मेरी, गोभी आलू रसे वाली, गोभी आलू और मटर, ये रसे वाली सब्जी बना लिया है, और इसमें है रोटी, ये है चावल, सारा खाना हमने रेडी कर दिया है सुबह सुबह। अब वो 1 बजे आते हैं, ये 12 बजे आते हैं, वे उनके ऊपर है, हम तो अपना पूरा खाना रेडी करके रख दिया। ऐसे कोई बोलता है ना लोग, ऐसे कोई बोल देता है ना तो दिल में इसे लग जाता है कि इंसान को हम बना के गर्म खाना दे भी रहे हैं, उल्टा हमको चार बात भी सुना रहे हैं। इसलिए भैया आप जल्दी से हम खाना बना देंगे, वो जाए समय से खाएं या ना खाएं, मेरा काम फ्री। थोड़ी हमारी उनकी आज बहस हो गई थोड़ा, इसलिए मेरा आज मूड ख़राब है। चलिए गाइस आप लोगों से बता रहे हैं अपने बारे में, अब आप ही से बताएंगे, अब और किससे बताएंगे, आप ही लोग मेरी फैमिली हो इसलिए बताना पड़ता है। चलिए बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस आ गए अपने रूम में, ये बैठे हैं यहाँ पे बेड पे। और गाइस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और लाइक करिए,
और सो गाइस आज हमारे पति की बहस हो गई, इसके लिए थोड़ा आप लोगों से हमने बताया, डिस्कस किया, आप लोगों का गलती लगे तो इसको माफ़ करिएगा। मेरे मन में जो आया हमने आपके सबसे बता दिया है, आपको फैमिली तो ही समझते हैं, इसलिए हमने आपके सामने शेयर किया अपनी बातें। अब किससे जाएं बताने, अब आप लोग हमको इतने लोग देख रहे हो तो आपसे बता ही रहे ना कि मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं। अब रोज़ का व्लॉग बनाते हैं तो यही तो बताएंगे आपसे कि आज हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, आज हमने ये बनाया वो खाया, यहाँ गए वहाँ गए, यही तो सब शेयर करेंगे आपसे। अब मेरी फैमिली जुड़ गए हो तो आपको हम बताएंगे ही सारी बातें। और गाइस आज हम जाएंगे अपने फ्रेंड के यहाँ, उसकी ब्लॉग कल आएगा, देखिएगा। वो आज कई दिन से फ़ोन कर रही थी कि मेरे यहाँ आती नहीं गीता, तो हमका ठीक है आएंगे, समय मिलेगा तो आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। तो आज हमने विचार बनाया कि हम चलिए जाएं उनसे मिलने। चलिए गाइस सब्सक्राइब कर लेना, तभी मेरी वीडियो अब तक आती रहेगी। आप लोग हमको पसंद करते हैं तो ऐसे मेरी वीडियो देखते रहिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में।